सुशांत सिंह राजपूत के पास पैसा, पावर, पोजीशन, वो सब था, मगर ऐसा क्यों किया? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यह आत्महत्या है या हत्या? जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जाहिर हो रहा है कि वो डिप्रेशन के शिकार थे और कई प्रकार के, कई महीनों से वो लगातार डिप्रेशन के शिकार थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि एक सप्ताह पहले जो उनका मैनेजर का उनका भी आत्महत्या की खबरें आई और वो भी आत्महत्या के शिकार हुई। और ठीक उसी सप्ताह सुशांत सिंह राजपूत का जिस प्रकार से यह मामला कल सामने आया, सुबह 9 बजे तक परिवार और रिश्तेदारों से बात कर रहे थे और अचानक जब ऐसी खबर आई तो लोग स्तब्ध रह गए और लोग यह मानने को तैयार नहीं हुए कि अभी अभी तो फिल्म ही देखे थे और कई फिल्म बना ही रहे थे। पिछले 10 सालों से लगभग टीवी और पर्दे पर धमाल मचा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, चाहे वह डांस के जरिए हो या फिर सीरियल के जरिए हो। मानव का किरदार उनका काफ़ी लोकप्रिय रहा था, एकता कपूर का सीरियल था, उसी प्रकार से कोई पाचे, MS धोनी का बायोपिक पे इतना ज़बरदस्त फिल्म, शुद्ध देसी रोमांस या फिर PK में किया गया रोल, ये सभी ऐतिहासिक और यादगार है। ब्योमकेश बख्शी का किरदार, जहाँ पर एक डिटेक्टिव की भूमिका में सुशांत सिंह राजपूत थे, आज उनका जिस प्रकार से अभी देख रहे होंगे अस्पताल से शमशान घाट के लिए ले जाया जा रहा है, सब जैसा कि वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, पिता चचेरे भाई पहुंच चुके थे 1 घंटा पहले मुंबई, पटना नहीं लाया गया। अभी कोरोना महामारी भी एक वजह है, एक कारण है, यह भी एक बहुत बड़ा मामला है। सुशांत सिंह राजपूत का ऐसे जाना सभी को खल रहा है और इतना कम उम्र, मात्र 34 साल, वह पहले कितना एक स्ट्रगल का लाइफ होता है और यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग जाता है, मगर एक इतना बड़ा सितारा आखिर ऐसे कैसे कर सकता है, यह सवाल हमेशा बना रहेगा। लोगों के पास पैसा होता है, पावर होता है, पोजीशन होता है, मगर कुछ चीज़ें होती है जो नहीं हो पाती है। शायद उस स्तर तक जाने के बाद लोग एकाकी हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो लगातार अच्छी फिल्मों की ओर बढ़ रहे थे और यादगार फिल्में बनाए हैं, चाहे वह कोई भी फिल्म हो, छिछोरे में भी उनका रोल को सराहा गया और तमाम लोग सराह रहे थे, और इतने कम उम्र में, मात्र 34 साल, पहले इंजीनियरिंग करने गए, इंजीनियरिंग में मन नहीं लगा, डांसिंग क्लास किए, सीरियल में काम किए और अंततः फिल्मों में आ गए और ज़बरदस्त क्रेज बनाया बिहार में। बिहार के लोगों ने भी सोचा कि हमें एक नया स्टार मिल रहा है, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा हुआ करते थे, सोनाक्षी सिन्हा, उसी प्रकार सुशांत सिंह राजपूत एक स्थापित हो रहे थे, मनोज वाजपेयी, ऐसे कई सितारे हैं बिहार में, मगर सुशांत सिंह राजपूत एक उभरता हुआ युवा और लोगों का चेहरा बनते जा रहे थे, मगर इस प्रकार से जब घटनाएँ हुई तो लोग स्तब्ध रह गए और विश्वास करने के लायक नहीं है। कई लोग लगातार न्यूज और अखबारों में ये चल रहा है कि आखिर ये क्या हो गया ये, और ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद वह बिहार आना चाहते थे मगर वहाँ पर वह ठहरे थे और लगातार दोस्तों के संपर्क में थे, उनसे दोस्त जो भी बातें दोस्त कह रहे हैं और रिश्तेदार बता रहे हैं, उनके पिताजी को देखा गया वीडियो में, वह रो रहे थे, वो जिस प्रकार से कल से वीडियो फुटेज और आ रहे हैं तस्वीरें, उससे यह साफ जाहिर होता है कि लोग सदमे में हैं, परिवार और भी ज़्यादा सदमे में है। और ये वीडियो फुटेज अभी सप्ताह ले जाया जा रहा है जहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा इनके रीति रिवाज के अनुसार, और यह एक सवाल फिलहाल बना रहेगा। अगर जांच होती है तो क्या पता चलता है, नहीं पता चलता है, धीरे धीरे कर लोग कुछ दिनों में इसे भूल जाएंगे, मगर वो जांच एजेंसियां लगी रहेगी, जुटी रहेगी। आखिर सच क्या है? अगर आत्महत्या है तो फिर ठीक है, क्यों हुआ, नहीं हुआ, ऐसी कई बातों पर चर्चा अनवरत चलते रहेगी। और ये मर्डर है या आत्महत्या, यानी कि हत्या है या आत्महत्या, ये धीरे धीरे पता चलेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।